Hey, how's it going everyone? My name is Mardip and welcome back everyone to my modded one block survival world. ये है guys मेरा एक ऐसा world जिसको मैंने अभी तक इतना बड़ा बना दिया है एक single block के दम पे. And guys पिछले 3 episodes के अंदर हम लोगों ने काफी अच्छी खासी progress कर दी है, लेकिन आज मेरे साथ एक बहुत अजीब सी चीज हुई. मुझे लगा था कि मैं एक normal सा आज एक episode record करूंगा, but something is very strange. I don't know कि तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, but guys यहाँ पर देखो मुंह के सामने मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, दिखेगा वो देखो सामने गाइस, वहां पर एक अजीब सा पर्चा पड़ा हुआ है. मैं ये चीज देख के से पहले हैरान ही हो गया. मैंने इस पर्चे को हाथ में उठाया एंड मैंने भाई यहाँ पर डायरेक्ट फेंक दिया उसको भाई, बिकॉज आई वाज स्केर्ड. आई हैव नो आइडिया कि पर्चा यहाँ पर कैसे आया था. एंड देखो गाइस इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 29 77 206. आई थिंक ये कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं. गाइस अगर तुम लोग गौर से देखोगे तो ये जो हमारे नीचे के कोऑर्डिनेट्स हैं और हमारे एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आसपास ही है. दिस मींस ये जो बंदा है ना जिसने अभी यहाँ पर फेंका हुआ है, ये जो यहाँ पर हम लोगों को पर्चा मिला, ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स का पर्चा है. एंड मैंने तुम लोगों को इससे पहले इंटर में बताया कि ब्रो ये मेरा सिंगल प्लेयर वर्ल्ड है, यहाँ पर ये चीज कैसे ओ माय गॉड ब्रो, दिस इज सो कंफ्यूजिंग मैन. मेरे को ना अभी अपने लिए काम करना पड़ेगा, अपने आप को मुझे करना पड़ेगा तैयार, ठीक है ना गाइस. वैसे मैं यहाँ पर बिल्कुल भी अपने लिए किसी भी टाइप की तलवार बनाना चाहता नहीं था, बिकॉज आयरन की वेस्टेज है क्लियरली. बट अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देयर इज समवन आउट देयर, एंड अगर ऐसी बात है गाइस तो आई हैव टू मेक श्योर कि कोई मुझे यहाँ पर फालतू में मार ना पाए. अब देखो लकड़ियों की कमी तो हमारे पास है नहीं है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक शील्ड बनाने वाला हूँ, ठीक है. मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था गाइस कि मैं यहाँ पर फालतू में शील्ड विल्ड बनाकर अपने वन ब्लॉक के वर्ल्ड में गेड़िया मारूंगा. गाइस मुझे तुमसे किसी ने बताया अगर मैं अपनी ग्रेव को तोड़ता तो मुझे सामान मिलता है इसके अंदर से, जो कि मुझे नहीं मिला, जो मुझे एक्चुअली नहीं मिला. आई थॉट कि मेरे को मेरा सामान सारा का सारा वापस मिल जाएगा जब मैं मरा था, पर क्या छोड़ो गाइस मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रोग्रेस कर दी है. मुंह के सामने मैंने इसको यहाँ पर अच्छा बना दिया, इस ब्रिज को सामने के लिए मेरे एनिमल फार्म्स के लिए. एंड अभी काम करते गाइस डायरेक्ट इस कोऑर्डिनेट पर जाना स्टार्ट करते हैं. मैं फिगर आउट करता हूँ कि कोऑर्डिनेट हमारा किस डायरेक्शन में आ रहा है. ऑलराइट गाइस, तो ये वाला जो हमारा कोऑर्डिनेट आ रहा है इस डायरेक्शन में, साउथ की डायरेक्शन में. तो फिलहाल को अगर मुझे वहां तक जाना तो मुझे बनाना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म को, लाइक एक्सटेंड करना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं, मेरे पास यहाँ पर गाइस लकड़ियों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने बहुत सारी लकड़ियां यहाँ पे निकाल के रखी हुई है. तो मुझे क्या करना गाइस, अपने लिए यहाँ पर बहुत सारे ये स्लैब्स वगैरह बनाने पड़ेंगे. तो जितने ज्यादा ज्यादा मैं स्लैब्स बना सकता हूँ आई एम गोना डू दैट ब्रो. ओके इतने स्लैब्स वगैरह काफी. और गाइस अभी समय आ चुका है सामने के साइड को जाने के लिए. ओ माय गॉड, मेरे को पता नहीं क्यों डर लग रहा है, पता नहीं कौन स्कैमर है ब्रो ये बंदा. मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा है जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए यार, और ये ज्यादा दूर भी नहीं है मेरे प्लेटफॉर्म से. आई एम नॉट What? मेरा Oh my God, यहाँ पे देखो तुम लोग, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे हल्का हल्का दिख रहा है, बट जैसे मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ मुझे दिखता भी नहीं है सामने. ओके ब्रो ये जो भी बंदा है ना भाई साहब, मुंह के सामने देखो कितना बड़ा घर है. ओ माय गॉड, ये बंदा जो भी है ना गाइस, ये बंदा एक्चुअली बहुत ज्यादा एडवांस है, मुझसे भी ज्यादा बेटर. इसने अपना घर वगैरह ऑलरेडी यहाँ पर बना दिया है. हुएवर दिस गाय इज, मुझे इसे सतर्क रहना पड़ेगा यहाँ पे. ओके गाइस, तो मैं इस बंदे के बहुत ज्यादा नजदीक तो जा चुका हूँ. काफी ज्यादा प्यारा इसने अपने यहाँ पे आइलैंड बनाया. अब आई डोंट नो कि मुझे आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए ब्रो. ओ माय गॉड, पर मुझे आगे तो जाना पड़ेगा भाई. मेरे को किसी भी हालत में इस बंदे के बारे में पता करना पड़ेगा कि है कौन है गाइस. मुझे तुम लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है गाइस. एंड तुम लोगों को बता, तुम लोग मुझे आशीर्वाद कैसे दे सकते हो, इस वीडियो पे लाइक मार के. इस वीडियो का लाइक है गाइस पूरे के पूरे 150,000 लाइक्स इन 5 days कंप्लीट कर दो गाइस. और अभी और इसी वक्त जाकर मैं इस बंदे को एक्सपोज करने वाला. मैं तो सोच इसको मार ही देता हूँ ना यार. तुम लोग एक चीज सोचो, अगर इस बंदे ने मेरे मेन वन ब्लॉक के सामने अपना ये पर्चा ऐसे करके फेंका, इसका मतलब खुद आया होगा वहां पे चलते हुए. भाई इस बंदे की इतनी हिम्मत की मेरे प्लेटफॉर्म पे चल के आ रहा है मुझे बिना बताए. ब्रो मेरे से हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरे सिंगल प्लेयर वर्ल्ड पे कोई ना कोई बंदा आकर यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश क्यों करता है. आई हैव नो आइडिया ब्रो, दिस इज सो कंफ्यूजिंग मैन. ओके मेरे को ना गाइस बहुत आराम से जाना पड़ेगा. मैं काफी ज्यादा नजदीक आ चुका हूँ इस बंदे के. बाय द वे थोड़ा सा इधर के लिए चलते एक बारी. और यहाँ पर एक मोड़, इतना तीखा मोड़ है वाला कि मेरे को ना इसको थोड़ा मोटा करना पड़ेगा. मैं नीचे गिर के मरना नहीं चाहता बस किसी भी हालत में ब्रो. All right, मैं इसके घर के पास गया जहाँ पर पहुँच. What the heck? मेरे को मुंह के सामने एक नेम टैग दिख रहा है. इसको तोड़ यहाँ पे. Okay. Oh my God. ये सामने बंदा सो रहा है. इसका नाम है Strange Man. What? Strange Man इस बंदे का नाम. Oh तेरी. Wait a second guys. एक तो मेरे पे Optifine का zoom नहीं है भाई, मैं zoom नहीं कर पा रहा. इसका घर तोड़ कर ना मैं जा रहा हूँ यहाँ से आगे के लिए. इसको भी डबल कर किसी भी एंगल से, बस मैं नीचे गिरना नहीं चाहता हूँ. गाइस जगह को एक्सप्लोर करना बनता है भाई साहब. इस बंदे के पास देखो कितने सारे जानवर है, पिंक कलर के शीप्स कितने सारे है इस बंदे के पास. Oh my God. What the hell is this bro? Pearl glass. और इसके अंदर देखो कितना अजीब सा दिखने वाला जेम है यहाँ पर. ओ माय गॉड भाई ये बंदा कौन है, ये बंदा मेरे वर्ल्ड में क्या कैसे घुसा भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है. ओ अरे भाई ये बंदा खड़ा हो गया. ओ माय गॉड, इस बंदे को ना किसी भी हालत में मेरे को पेल के अपने वर्ल्ड से बाहर निकालना.
क्या कर रहा है अबे तेरा वर्ल्ड नहीं है ये। हेलो ओ भाई साहब, मैं देखा अभी काफी शराफत के साथ तुझसे बात करने आने वाला, मुझे हाथ मत लगाइयो गलती से भी। आजा आजा, अरे भाई तमीज से रुक, हाथ मत मार, अगर मैं मरा ना यहाँ पे और मेरा सामान झूठा तो वापस आके मैं तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। रुक, दो वही वही दूर खड़ा रहे। अच्छा हाँ, दूर खड़ा रहे, बस तू मेरी बात सुन। तूने मेरे को ये कोऑर्डिनेट्स दिए थे इससे पहले है कि नहीं है? सच सच बोलियो। है नहीं, ये कोऑर्डिनेट तूने नहीं दिए थे मेरे को? अबे तेरे घर के कोऑर्डिनेट्स ही, तुझे क्या लग रहा है कौन देगा मेरे को ये? नहीं तो अजीब सा प्राणी है भाई ये बंदा तो यार, उसकी शक्ल देखो तर एक बारी, तू है कौन? अबे मेरा नाम तेरे को दिख नहीं रहा है क्या? मैं स्मार्टी पाए हूँ, इस वर्ल्ड का राजा हूँ मैं, निकल मेरे वर्ल्ड से। अरे भाई दादागिरी की भी हद होती है यार, तू मेरे ब्रो, मैंने 3 एपिसोड बनाए इस वर्ल्ड के और तू यहाँ पर मेरे वर्ल्ड के अंदर। अरे मेरे को देख, मैं तेरे पे हाथ नहीं उठा रहा, इसका मेरे पे एक्स है ब्रो, मैं 2 शॉट मारूंगा तू यही मर जाएगा, समझा? एक तो भाई मेरे को इसकी आंखें देख के लग रहा है कि ये बंदा ना पक्का यहाँ पे पोजेस्ड है कि क्या सीन है इसका। तेरी पकौड़े ऐसी कि भाई इसके तो हार्ट सीने जा रहे हैं। ओके ब्रो, मैं 2 सेकंड में आजा, रुक जा 1 सेकंड। गाइस इस बंदे की आंखें तुम लोगों ने देखी कितनी अजीब है, और मैंने उसको अभी एक फटका भी मारा, स्टिल इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। और मेन बात गाइस यहाँ पर ये है कि इस बंदे ने मुझे अपने ऊपर टेलीपोर्ट करवाया, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। अरे भाई मेरे, ये बंदा मुझे ही रोस्ट कर रहा है यहाँ पे यार। अच्छा स्ट्रेंज मैन ब्रो, मेरी बात तो सुन, तू इस वर्ल्ड में कब से रह रहा, सच बोलियो कब से रह रहा है? मेरे को ये चीज जानना है, मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है। 5 साल से तू सीरियसली इस वर्ल्ड में 5 साल से रह रहा है? हाँ, What? How is this possible, dude? How is this possible? अभी 2 महीने पहले बनाया मैंने इस वर्ल्ड को, 4 महीने पहले लाइक जनवरी में बनाया। तू 5 साल से कैसे रह सकता है? तू बता कब से रह रहा है? अरे मैं तो 6 साल से रह रहा हूँ इस वर्ल्ड में, तुझसे पहले से रह रहा हूँ मैं इस वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना? तो तू ज्यादा यहाँ पे हवा में उछल मत, ये मेरा वर्ल्ड है। चल चल, अरे भाई कहाँ चल यार, मैं सच बोल रहा हूँ। चल एक काम करते हैं, तू इधर ही रह ले, इस वर्ल्ड के अंदर रह ले, तू भी खुश रहा भाई और मैं भी आराम से खुश रहा था, ठीक है ना भाई? ना मैं तुझे तंग करूंगा, ना तू मुझे तंग करियो, ठीक है ना? दोनों के दोनों अपने अपने वर्ल्ड में खुश रहेंगे, ठीक है? और तू मेरे पीछे पीछे मत आ, मुझे डर लग रहा तुझसे ब्रो, ठीक है भाई? दिख मत जा। ठीक है, नहीं दिखूंगा मैं तेरे को, तू खुश रहा भाई अपनी जगह पे यहाँ पे, ठीक है? मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अभी, बिल्कुल भी तू मेरे को दिखियो मत, ना मैं तुझे दिखूंगा। हाँ चल भाई, ठीक है भाई, थैंक यू मैन, ओके। My God, ये बंदा बोल रहा है कि इस वर्ल्ड के अंदर 5 साल से रह रहा है। भाई मैंने जनवरी में इस वर्ल्ड को बनाया, ये झूठ बोल रहा है। गाइस ये बंदा कोई ना कोई स्कैमर है। ओके, मुझे इस वर्ल्ड के अंदर से इस स्कैमर को निकालना पड़ेगा किसी भी हालत में। बट अभी गाइस यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है मेरे पास, आई एम नॉट इवन जोकिंग। मैं यहाँ पर आज सोच के आया था कि मैं अपने लिए बहुत ही प्यारा ऐसा घर बनाऊंगा, एंड यहाँ पर इस 1 ब्लॉक को खोद कर मैं लाइक अपना एक और स्टेज यहाँ पे क्लियर करने वाला। बट ये बंदा ना यहाँ पे कुछ ना कुछ कांड करने वाला मेरे साथ। एक काम करता गाइस, मैं थोड़ी देर तक इस ब्लॉक को खोदता हूँ एंड थोड़े बहुत और ब्लॉक्स वगैरह निकालता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर अपने लिए घर बनाना स्टार्ट करता हूँ ब्रो। ये स्कैमर ने साला 4 दिन हुए स्कैमर को यहाँ पर आए हुए और मुझसे बेटर घर बना दिया इस बंदे ने, मैं नहीं मानूंगा भाई। अभी मैं बहुत प्यारा घर बनाऊंगा अपने लिए, देखो तुम लोग यहाँ पे सब भाड़ में जाए। ओ माय गॉड, भाग यहाँ से तेरी ऐसी की तैसी, डरा देता यार भाई तुस्ती मन्नू यार। चलो गाइस मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर मेरे पेड़ों की तो बिल्कुल भी कमी है नहीं है। तो मैंने सोचा था कि आज ना मैं यहाँ पर अपने लिए बढ़िया सा घर बनाऊंगा, बट उस बंदे ने जिस टाइप का घर बनाया मेरा प्लान भी कुछ वैसा ही था। तो अब यार स्ट्रेंज मैन ने यहाँ पर सिमिलर जैसा घर ऑलरेडी बनाया हुआ, तो मजा नहीं आएगा मेरे को, ठीक है ना? अब इस बंदे को अपनी दुनिया अलग से चलाने दो, जब तक कि मैं यहाँ पर कोई प्लान ना बना दूं उसको यहाँ से खदेड़ने का इस वर्ल्ड से। तुम लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये जो स्ट्रेंज मैन है तुम लोगों को क्या लग रहा है कि कौन है ये? ये कोई भी हो सकता है भाई, ये कोई भैरूपिया भी हो सकता है, मुझे डर है इस बात का टू बी ऑनेस्ट। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है ये कौन है बंदा। एंड गाइस मैं काम करता हूँ, साथ साथ मैं ये भी यहाँ पर निकालता रहता हूँ ना, यहाँ पर एक्चुअली में वेस्ट हो रहा है मेरा खाना यहाँ पे सारा का सारा। तो गाइस तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को कौन लग रहा है कि स्कैमर है कौन एक्चुअली में, और मैं कैसे इस स्कैमर को यहाँ से खदेड़ सकता हूँ बाहर। और तब तक मैं काम करता हूँ, यहाँ पर जितने भी हमारे कैरेट्स वगैरह ना इनको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इसके अंदर, ठीक है ना? और आगे 36 कैरेट्स मेरे पास इन्वेंटरी में होने चाहिए खाने के लिए। तो गाइस मैंने पहले जो प्लान किया था नॉर्मल घर बनाऊंगा, अब मैंने सोचा हुआ है कि मैं एक बहुत ही अलग सा घर बनाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हैंगिंग हाउस बनाने वाला हूँ, ठीक है ना?
अभी अभी जस्ट मेरे दिमाग में आइडिया आया वाला, और हैंगिंग हाउस बनाने के लिए लेट्स डू वन थिंग, इसको बहुत ज्यादा क्रिएटिव वे में बनाते हैं। और क्रिएटिव वे कैसा होगा, मैं यहाँ पर गाइस अपने लिए पेड़ बनाने वाला हूँ, पेड़। तो उसके लिए सबसे पहले लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर मैंने गाइस अपने लिए बहुत सारे पहले पेबल्स निकालने वाला हूँ। और ये हमारे वन ब्लॉक वर्ल्ड की खास बात है इस मॉड की, कि हम लोग यहाँ पर ग्रास के अंदर से पेबल्स निकाल सकते हैं। और तुम लोग देखो अभी यहाँ पर, अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये पेबल्स है गाइस, इससे मैं डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ कबल स्टोन में। तुम लोगों को कबल स्टोन जनरेटर बनाने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं है। तो ऑलरेडी गाइस यहाँ पर बहुत सारे कबल स्टोन वगैरह पड़े हुए, एक काम करते हैं, इस ऊपर वाले प्लेटफॉर्म को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाने वाला पहले। ओके गाइस, इधर के लिए मैं इसको हल्का सा बड़ा बनाऊंगा, बिकॉज इसके बिल्कुल एंट्रेंस के पास ही ना सीढ़ी की जो एंट्रेंस है, वहीं से मैं उस पेड़ को बनाना स्टार्ट करने वाला, एंड देन इस हैंगिंग हाउस को बनाएंगे। मैं अभी चाहता हूँ कि मेरा भी घर यहाँ पे सुंदर बने भाई। ये स्ट्रेंज मैन, बदसूरत इंसान, स्कैमर बंदा यहाँ पर मुझसे बेटर घर बना के बैठा हुआ है भाई, हेलो। एंड यार गाइस, अब तुम लोग दिमाग लगाओ थोड़ा भाई, मैं कैसे इस बंदे को ऐसे बाहर निकालूं यार। मुझे लग रहा है कि यहाँ से आगे अभी ये सीरीज ना एक्चुअली में बहुत ज्यादा धांसू बनने वाली है। तो इफ यू गाइस आर एक्साइटेड फॉर दैट मैन, सब्सक्राइब जरूर करना गाइस इस चैनल को, बिकॉज अभी आगे फ्यूचर में बहुत ही लाइक बहुत से भी बहुत ज्यादा धांसू कंटेंट आने वाला है, हर टाइप की वीडियो में बहुत ज्यादा धांसू कंटेंट। तो गाइस देखो, जो मेरे को पेड़ बनाना है वो मैं बनाऊंगा ओक वाला, ठीक है ना। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर बहुत सारे इस टाइप के ब्लॉक्स की जरूरत पड़ने वाली है, लाइक अलग अलग टाइप के ओक के ब्लॉक्स की। अब ये दिखने में काफी ज्यादा प्यारा लगने वाला है, मैं तुम लोग को अभी और इसी वक्त बता सकता हूँ ये चीज। एक काम करते गाइस, मैं क्यों ना यहाँ पर जैसे ओक का ब्रिज है, ये देखो ओक ब्रिज का सपोर्टर है, ये जो ब्लॉक्स है ना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग से दिखने वाले ब्लॉक्स है। देखो यहाँ पे किस टाइप के ब्लॉक्स है, इनसे अगर मैं पेड़ों को बनाऊंगा ना, पेड़ को बड़ा पेड़ बनाऊंगा, तो वो काफी ज्यादा सुंदर लगने वाला। तो इस टाइप के और बहुत से टाइप के ब्लॉक्स आई गेस मैं यहाँ पर बना सकता हूँ इस वर्ल्ड के अंदर। एक बार मैं जरा अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पर गाइस, जैसे ओक की स्टेयर्स होगी ये वाली, ओ माय गॉड कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है ये ओक ब्रिज स्टेयर्स। ये देखो यहाँ पे ओक के मैं यहाँ पे प्लेन विंडोज भी बना सकता हूँ, माय गॉड, पर उसके लिए मुझे ना सैंड की जरूरत है, मेरे पास सैंड बिल्कुल भी नहीं है भाई इस वर्ल्ड के अंदर फिलहाल को। तो ये देखो यहाँ पे गाइस, रोप डार्क ओक ब्रिज स्टेयर्स, ब्रो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो कि हम लोग बना सकते हैं। ये वाली लैडर्स तो देखो कितनी ज्यादा ऑसम है भाई। तो आ जाओ गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ एक ओक का सपोर्टर। यहाँ देखो ना, ये देखो 15-16 आई गेस, 18 तो क्या मैं बनाता, 21 काफी होंगे आई गेस। यहाँ पर मैं इसको बहुत सारे ओक के जो हमारे लॉग्स है इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ प्लैंक्स में। भैया एक बात मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ गाइस, ये जो हमारा स्ट्रेंज मैन बंदा है इसने मुझे मोटिवेट कर दिया है, सच्ची बता रहा हूँ, इसने मुझे मोटिवेट कर दिया मेरे वर्ल्ड को सुंदर बनाने के लिए। मैं बड़ा आलसी बंदा हूँ इस चीज में, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है इस चीज के बारे में कितना आलसी इन चीजों में, और इससे मेरे को यहाँ पर मोटिवेट कर दिया कि भैया आपको यहाँ पर बढ़िया काम तो करना पड़ेगा भाई, अगर आपको यहाँ पे इस वर्ल्ड का सुंदर तो बनाना ही पड़ेगा भैया। ये बंदा है काफी ज्यादा सही। रुको एक सेकंड गाइस, अभी मैं अपना एक काम करने वाला हूँ, आई गेस ऐसे करके बनता है। हाँ यहाँ पर मुझे ये बनाने थे बहुत सारे। अभी देखो मैं अपना एक और चीज बनाने वाला, मैंने जस्ट अभी देखा, देखो डार्क ओक की सीट्स, ये देखो यहाँ पे ये सीट है क्या है, पहले मैं ये चीज देखना चाहता हूँ भाई साहब इस मॉड पैक के अंदर ना। ओ क्या मैं बैठ सकता हूँ इसके ऊपर? अरे यार एक तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ मैं इसके ऊपर बैठ नहीं सकता, बट दिखने में काफी ज्यादा प्यारा लगेगा। ओके भाई, इस ट्री हाउस को काफी ज्यादा प्यारा बनाने वाला हूँ। ट्री हाउस नहीं होगा गाइस ये, बट एक बड़ा सा पेड़ बनाऊंगा जिसकी ब्रांचेस होगी बहुत सारी बाहर के, और एक ब्रांच से हमारा घर लटका हुआ होगा, कितना ऑसम लगेगा। ये स्ट्रेंज मैन भी देख के यहाँ पे हैरान हो जाएगा कि भैया स्मार्टी पाई ये जो बंदा, ये तो और भी ज्यादा क्रिएटिव है मुझसे भी ज्यादा। गाइस मैं एक काम करने वाला, बहुत सारे मैं ओके ब्रिजेस वगैरह भी बनाने वाला, ठीक है ना। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने ज्यादा बना दिया यार, ये इतने ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं थी। और अगर मैं इनको यूं करके यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पर बन जाएगी हमारी ओक ब्रिज की स्टेयर्स। आहा बेटे क्या बात है भाई। तो चलो बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ यहाँ से हमारी एंट्रेंस है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर कहीं पर इस पेड़ को बनाते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाना मैं स्टार्ट करता हूँ, एकदम नॉर्मल जैसा बेस रखूंगा इसका पहले तो मैं नीचे के लिए, ठीक है ना। और मुझे बार बार डर लग रहा है मैं यहाँ से नीचे पक्का गिर जाऊंगा मैं नीचे। इसको हल्का सा एक्सटेंड मैं यहाँ पर कर देता हूँ उसको, ठीक है ना, यूं करके। वो बंदा वेट, पेड़ों के बीच में खड़ा है बंदा, मुझे दिखा, मम्मी कसम मुझे दिखा था। व्हाट, ओए हेलो ब्रो, व्हाट द हेक इज दिस मैन, ये बंदा मेरे पे स्पाई कर रहा है। ओ हेलो, कहाँ गया ये बंदा वहां से यहाँ पे आया कैसे, पहली बात तो। दूसरी बात, बंदा गायब भी हो गया। अरे भाई ये कौन है भाई ये बंदा, ये स्ट्रेंज गाइस, कुछ तो इस बंदे का लोचा है भाई। आई एम नॉट इवन जोकिंग मैन, अभी तो मैंने यहाँ पे घर बनाना स्टार्ट भी नहीं किया था, पहले ही आ गया। हेलो भाई तू है कौन है, हिम्मत है तो मेरे सामने तो आ, तू एक बार तेरे को फिर बताता हूँ मैं। अरे बाप, आई गॉट स्केर्ड ब्रो, मैं डर गया अभी यहाँ पे, नॉट इवन जोकिंग मैन। भाई
साहब ये कितना अजीब सा बंदा है, सीरियसली मैन। और मैंने एक गलती यहाँ पर करी है गाइस, मेरे को ना अपने लिए वाटर बकेट लेकर आनी चाहिए, मैं ऐसे करके मर जाऊंगा, नहीं तो अगर मैं ज्यादा हाइट में चला गया गलती से भी तो फिर मैं मर जाऊंगा नीचे फॉल डैमेज से। मैं अपने लिए गाइस यहाँ पर वाटर बकेट रखने वाला हूँ हाथ में। और ये देखो गाइस, ये जो हमारा पेड़ का ये तना जैसा बन रहा है, इसको ना बीच बीच में यहाँ पे अलग अलग शेड्स देनी पड़ेगी हम लोगों को। तो उसके लिए क्या करेंगे, ओक के प्लैंक को ऐसा करके लगा देंगे, ठीक है। अरे यार एक तो डबल डबल कैसे टच हो जाता है भाई, इतना खतरनाक माउस कब से हो गया मेरा यहाँ पे। चल तू नीचे टूट जा, शाबाश। बीच में ऐसा बनाना पड़ेगा इसको, और एक साइड के लिए यूं करेंगे। यहाँ पर हमारे स्लैब्स को नीचे निकालेंगे, स्लैब्स को यूं करके लगाने वाला हूँ मैं बीच बीच में, ठीक है ना। इसको कंप्लीटली रैंडम शेप जैसी देनी है मैंने यहाँ पे गाइस। एक साइड इसको मैं यूं करके लगाने वाला, देखो थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है शेप में। इनफैक्ट एक काम करते हैं, थोड़ा सा और चौड़ा इधर के लिए बनाता हूँ मैं। और गाइस यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ ये स्लैब्स वगैरह, ठीक है ना, इस स्लैब के साथ आई गेस। यस, और भी अच्छा लग रहा है ये, शाबाश। और अभी गाइस क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, मैं गाइस यहाँ पे ना टेम्परेरी बेसिस के लिए कुछ गाइस लैडर्स वगैरह बना के रखते हैं। और यहाँ पर एक लैडर काफी अजीब से शैल से बनती है, ऐसे करके यहाँ पर लैडर को लगाते हैं और यहाँ से ऊपर चलते हैं। चलो अभी गाइस ऊपर जाने के लिए आई गेस मुझे ना इसको यहाँ पे लगाना चाहिए। यस, अच्छा लगेगा क्या? हाँ ये अच्छा लगने वाला है। इनफैक्ट बस एक गड़बड़ी है कि जो स्लैब है ना, ये यहाँ पर काफी अजीब सा इल्यूजन जैसा क्रिएट कर रहा है। यूं करके आई गेस बढ़िया रहेगा। और अब देखो तुम लोग गाइस यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसको बाहर के लिए मैं यूं भी खींचने वाला हूँ। इनफैक्ट इस वाले को तोड़ यार, यहाँ पे इसको तो यूं करके लगा, और यहाँ से ऊपर के लिए चल, यहाँ से थोड़ा सा और बाहर के लिए चल, इसको ऊपर के लिए चल, तू यहाँ पर आ जा, ठीक है ना। और इसको मैं तोड़ने वाला हूँ, और इसको ही मैं तोड़ने वाला हूँ, एकदम ऐसी रैंडम जैसी शेप देनी, ब्रांचेस बनानी गाइस। बाय द वे मैंने मतलब मेरा मेन मकसद ये है यहाँ पर, अभी एट अ टाइम काम करेंगे गाइस एक चीज के ऊपर, ठीक है ना। और ये आई गेस बढ़िया लग रहा है, इसके नीचे इसको लगा, इसको यहाँ पे लगा, हा हा हा, काफी ज्यादा तगड़ी और मोटी ब्रांच हमारे पेड़ की आ चुकी है। सोचो इसी टाइप का पूरा का पेड़ यू बड़ा सा बनेगा, हा हा क्या लगेगा भाई वो। और एक मैं यहाँ पर ये लगाने वाला, और गाइस देखो अब यहाँ पे अभी हम लोगों को काम आने वाला है यहाँ पर पूरे तरीके से फेंसेस का, फेंसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहाँ पे। फेंसेस ऊपर के लिए पूरा लगाने वाला मैं सीधा करके, यूं करके। और गाइस इन फेंसेस को भी मेरे को यूं करके रैंडमली बाहर के लिए ब्रांच आउट करना है। ऑलराइट गाइस, तो मुंह के सामने देखो तुम लोग, एक पेड़ का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब तुम लोगों को थोड़ा सा शिप की याद दिला रहा होगा, बट एक्चुअली में तुम लोग टेंशन मतलब आई, जब इसके आसपास यहाँ पे लीव्स वगैरह लगेगी तो देखो ना कितना सुंदर बनने वाला है ये, बहुत अच्छा लगेगा ये, है ना। आई होप कि मैं इसको ज़्यादा बढ़िया बनाऊँ स्ट्रेंज मैन वाले बंदे से। भाई इससे पहले मुझे देख रहा था वो बंदा, नॉट इवन जोकिंग भाई, कुछ तो इस बंदे का राज तो है भाई। पता नहीं कैसे यहाँ पर आ रहा है, पता नहीं कैसे गायब हो रहा है, और इसके हर्ट्स भी नहीं जाते भाई साहब, अजीब सा बंदा है ब्रो ये। बट फिलहाल को मुझे इस चीज की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है भाई। फिलहाल क्या करते हैं, ओक की लीव्स लेते हैं, और यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी लीव्स रखी हुई है, देखो जैसे ये हमारी, ये पिंक कलर की लीव्स लेते हैं और साथ में ये वाली लीव्स लेते हैं। चलो भाई तीन टाइप की लीव्स मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, आई थिंक ये अच्छी लगने वाली है बहुत ज्यादा। तो भाई शुरुआत में करने वाला बिल्कुल लेफ्ट साइड से, और एकदम लेफ्ट साइड पे ना मैं यहाँ पे ये वाली लीव लगाने वाला, लाइक हमारी जो नॉर्मल ओक की लीव्स होती है, ठीक है, हर जगह पे इसको मैं अच्छे तरीके से फैला देने वाला यहाँ पे। और जब हमारी ये वाली लीव यहाँ पे लग जाएगी गाइस, तो एकदम सेंटर में कौन सी लीव लगाएंगे ना, सेंटर में मैं सोच रहा हूँ मैं ये पिंक वाली लगाता हूँ, और फिर सबसे लेफ्ट साइड के लिए हम लोग ये वाली लगाएंगे सेरीन ब्लॉसम लीव, जो कि पर्पल कलर की, आई गेस काफी ज्यादा प्यारी लगने वाली है। मैं एक बार इसको यहाँ पर फटाफट लगा के आता हूँ, एंड देन मैं तुम लोगों से मिलता हूँ उसके बाद। आई एम सो एक्साइटेड मैन। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, क्या तुम लोग तैयार हो हमारा ब्रांड न्यू ट्री देखने के लिए? मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, 3 2 1 टैन टैन। अरे यार मैंने गलती से यहाँ पर ये इन्वेंटरी खोल दी, क्या यार मेरा पूरा का पूरा सरप्राइज ऐसे ही खराब हो जाता है। देखो यहाँ पे गाइस, ये एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है, ये देखो बैक साइड से हम लोग कितना मस्त है। एंड बाय द वे यहाँ पर मैंने एक सीक्रेट एंट्रेंस भी बनाई हुई, जो कि यहाँ से जाएंगे हम लोग यूं करके अंदर ही अंदर होकर, देखो यहाँ से यहाँ पहुंच गए, यहाँ से हम लोग जाएंगे इधर के लिए ऊपर बैक साइड से, यहाँ से आगे जाते आते देखो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट पहुंच जाएंगे उस इलाके पे जहाँ से हम लोगों को एंट्रेंस बनानी हमारे हैंगिंग हाउस के लिए। ये बहुत ज्यादा मस्त चीज बनाई है मैंने बाय द वे। बट ना अभी मैंने जस्ट एक चीज गाइस यहाँ पे नोटिस करी, जो कि कमी है यहाँ पर, मुझे पहले एक बार सोना पड़ेगा एक बारी, कि जब हम लोग यहाँ से देख रहे तो भाई साहब यहाँ पे एंट्रेंस हमारी दिख रही है, तो इसको मेरे को ना यहाँ पे समथिंग लाइक दिस रैंडमली बंद करना पड़ेगा किसी भी हालत से। ये चीज यहाँ पे दिखनी नहीं चाहिए कि हम लोगों की एंट्रेंस कहाँ पर है यहाँ से ऊपर जाने की। तो यार इसको भी यहाँ पे यूं करके मैं नीचे के लिए लगाता हूँ, तो थोड़े मिक्स करके ब्लॉक्स यहाँ पर मैं यूं करके लगाता हूँ, अच्छे लगेंगे यूं यूं। एंड आई थिंक दिस इज गुड इनफ मैन। बल्कि जो हमारी हरी वाली साइड है ना गाइस, यहाँ पर भी मैं सोच रहा हूँ नीचे की साइड के लिए ये अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स मुझे रैंडमली लगाने चाहिए, अच्छे लगेंगे ये भी, समथिंग लाइक दिस। यस, बल्कि हमारी हरी वाली साइड ज्यादा कमजोर लग रही है, मैं और भरता हूँ इसको, एक सेकंड रुको यार। आ जाओ गाइस, मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत ब्लॉक्स अपने लिए निकाल दिए हैं, ये अलग अलग टाइप की लीव्स वगैरह, इनको मैं रैंडमली यहाँ पे यूं करके सजाता हूँ, एकदम रैंडम रखेंगे भाई, यूं करके लो कहीं भी बस हाथ मारते रहो,
एंड इन द एंड गाइस ये डिजाइन अच्छा आ ही जाता है। ये पूरा पेड़ मैंने ऐसे ही बनाया भाई यहाँ पे। एंड गाइस द स्ट्रेंज पार्ट इज वो जो स्ट्रेंज मैन है ना, उस बंदे ने बिल्कुल भी इस पेड़ को बनाते बनाते बीच में नहीं आया भाई। या तो फिर हो सकता है देख रहा हो मेरे को और मुझे पता नहीं चला। आई डोंट नो मैन। अब गाइस देखो इस पेड़ के यहाँ साइड से मैं इसको हैंग करने वाला। चलो भाई अभी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बट लेट मी चेक वन थिंग गाइस, यहाँ पर कुछ कोल वगैरह अगर पड़ा होगा। देखो कोल बहुत सारा पड़ा हुआ है। नाइस। यहाँ पर आयरन कितना पड़ा है मुझे वो देखना। देखो 8 तो ये रहे और 7 गाइस यहाँ पर है। नाइस। इनको मैं लगाना। ओह बहुत सारे ऑलरेडी पड़े हुए ब्रो यहाँ पे। अरे नाइस ब्रो। मेरे यहाँ पर गाइस एक्चुअली में अभी जरूरत पड़ने वाले आयरन की। देखो मेरा 22 यहाँ पर है एंड यहाँ पर कितना है 20 यहाँ पर। अरे भाई बहुत ज्यादा है। टेंशन की बात ही नहीं है। मेरे पास टोटल 42 आयरन पड़ा हुआ। अरे भाई वाह। गाइस एक सेकंड रुको। देखो यहाँ पर मेरे को पहले आयरन के नगेट्स बनाने हैं। आई गेस ऐसे करके बनता है। नहीं या तो ऐसे करके बनता है। नहीं ये चेन की रेसिपी। ओ एक आयरन इंगेट। ओके ब्रो ऐसे नहीं, ये यहाँ पे डालना पड़ेगा। एंड मुझे कितनी चेन्स की जरूरत है ओवरऑल देखना पड़ेगा। आई गेस मैंने गाइस ज्यादा यहाँ पे चेन्स वगैरह बनाया। आई गेस 9 काफी होनी चाहिए बाहर के लिए। मैं मैक्सिमम 5, 6, 7, 8, 9 काफी है भाई। क्योंकि गाइस 9 चेन्स बनाने के लिए मेरे 9 आयरन के इंगेट तो लगे अप्रोक्सीमेटली एक और 10 आयरन इंगेट्स लगे मेरे ऑलमोस्ट। भाई साहब काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रेड थी वाले, टू बी ऑनेस्ट मैन, आई एम नॉट इवन जोकिंग मैन। और यस गाइस बस एक चीज का ध्यान देना है, क्योंकि आयरन हमारा बहुत ज्यादा कीमती है, मैं मरता हूं तो आयरन हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं इसको ऊपर डालने वाला हूं। एंड अभी गाइस हम लोग एक और चीज यहां पे देखो ग्राइंड स्टोन बनाने वाले। उसके लिए मुझे यहां पे स्टोन के स्लैब स्टोन का स्लैब मेरे पास यहां पे वेट। ओ माई गॉड मेरे को यहाँ पे सिल्क टच की जरूरत पड़ने वाली है इसके लिए तो। अरे नहीं यार भाई। गाइस ये तो मैं बुरी तरीके से फंस गया। मुझे ग्राइंड स्टोन चाहिए था यार, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अरे भाई फिर से आ गया बंदा। भाई तू क्यों आ रहा है यहाँ पे? इससे पहले तू मेरे तू इससे पहले आया था और तू तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे नजर रखने की, मेरे को तुमसे ट्रेड करना है? भाई पहले तो तू पढ़ा लिखा नहीं है पहली बात तो मुझे लग चुका पता, इसलिए गाइस ना यहाँ पे फालतू में पंगा लेने की जरूरत थी। क्या ट्रेड करना है? चल मुझे बता क्या ट्रेड करना है और क्या देख रहा है मेरे बिल्ड्स को देख रहा है भाई? ऊपर तू निकलना अपने घर को। ये क्या गु मेरे बिल्ड को इसने गू बोला गाइस अभी। ओए मैंने यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा, मैं तेरे को अभी पेल दूंगा, तू निकल जा यहाँ से भाई, चुपचाप से निकल जा यहाँ से। तू जहाँ से भी आया हुआ है तू यहाँ से चुप। एक सेकंड, तू यहाँ पे ट्रेड करने आया ना मेरे साथ है? हाँ ठीक है भाई सुन, तू मेरे को ना सिल्क टच दे दे। अगर तू तेरे पास सिल्क टच अगर होगी ना भाई तो मेरे को मजा आ जाएगा। व्हाट द हेक मैन, थैंक्स यार मेरे पास को। आर यू श्योर कि सिल्क टच है? आर यू एक सेकंड रुको। अबे स्टोन की पिकेक्स पे सिल्टच कौन लगाता है यार? बट कोई बात नहीं, तू मुझे बता तेरे को इसके बदले चाहिए क्या क्या है। एक सेकंड भाई कुछ फायदा नहीं है, ले जा इसको वापस ले जा। सिल्टच तो तभी फायदा होगा ना भाई अगर मेरे सामने स्टोन होगा, तभी तो मैं स्टोन को खोद के स्टोन मेरे हाथ में आएगा सिल्टच की मदद से। पर स्टोन ही नहीं है ब्रो। डोंट टेल मुझे 3 स्टोन देगा भाई तू? तुझे क्या चाहिए इसके बदले मुझे बता, जो तू मांगेगा मैं। माई गॉड तू मुझे बता इसके बदले तुझे क्या चाहिए? अभी और इस पर ट्रेडिंग करते हैं, तू जल्दी बता मेरे को क्या चाहिए तुझे इसके बदले, जो तू मांगेगा मैं तुझे वो देने। अरे भाई इसे बंदी को भाई अपनी व्हाट 360 के भाई, ये बहुत अजीब बंदा है भाई। तेरे दिमाग में जो भी आ रहा है तू बस मांग, अगर मैं दे सकूंगा भाई मैं तो कोई पक्का देने वाला हूँ। मेरे को ग्राइंड स्टोन बनाना बहुत जरूरी है भाई, मेरा घर काफी सुंदर लगेगा तभी यार। मुझे रेयर और रुक तू यहीं पे रुक जा भाई, तू ज्यादा नजदीक मत आइयो ठीक है ना मेरे घर के, मैं तेरे लिए अभी और इस वक्त यहाँ पे लेके आने वाला। भाई साहब ये बंदा स्कैमर था या फिर क्या था? देखो यहाँ पे गाइस ये देखो यहाँ पे रूबी है, गर्नेट है, पता नहीं क्या है, मेरे किसी काम के नहीं भाई। ये देखो ग्रीन सैफायर है, इनफैक्ट ये ग्रीन सफायर रहने देता हूँ मैं, इसको मैं कुछ और देखो जैसे ये टोपेज है भाई, ये मान जाएगा ये पक्का मान जाएगा मेरी गारंटी। लो ले भाई ये देख यहाँ पे, ये देख रहा है ये जो रूबी मेरे हाथ पे देख रहा है लाल कलर का रूबी, ये दुनिया का सबसे महंगा ओर है भाई, ये इतना महंगा है कि तेरी 7 पुश्ते बिक जाएगी। ले ये देख यहाँ पे गार्नेट, इसके ऊपर तू एक बार हवर करके देखियो। स्ट्रेंज मैन हैज मेड द एडवांसमेंट। वाह भाई वाह। ये बंदे देख यहाँ पे टोपेज दे रहा हूँ तेरे को मैं बहुत सारी चीजें दे रहा हूँ ठीक है भाई, खुश है क्या तू? हाँ मैं खुश हूँ। अरे भाई थैंक यू। अरे भाई तू मुझे ये भी दे दिया, इसने मुझे शेल्टर वाली पिकैक्स भी दे दिया। अरे वाह भाई वाह। हालांकि इसने मुझे स्टोन वाली दी है जो आयरन से सारा काम किया, बट भाई साहब मेरे पास स्टोन आ चुके हैं। स्टोन से मैं यहाँ पर क्या बना सकता हूँ? अपने लिए स्लैब्स बना सकता हूँ। और इससे देखो गाइस मैं यहाँ पर क्या बना सकता हूँ अपने लिए? ग्राइंड स्टोन्स। और मुझे गाइस ओवरऑल 3 ग्राइंड स्टोन की जरूरत थी। माय गॉड मेरी किस्मत काफी अच्छी है कि ये बंदा एकदम सही टाइम पे यहाँ पर आया। 3 ग्राइंड स्टोन एंड जो गाइस ये बचे हुए स्टोन है ना हमारे स्टोन, ये भी काफी ज्यादा रेयर है तो इसको भी मैं रख देता हूँ ऊपर यहाँ पे एक बारी।
ओ माय गॉड। अभी देखो गाइस मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। तो जो हमारी ये एंट्रेंस बनने वाली है ना, ये काफी ज्यादा ऑसम बनने वाली है। मुझे लग रहा है मुझे ना इसको भी यहाँ पे यूं करके ढकना चाहिए, और जो मैंने दो यहाँ पे सीढ़ियां एक्स्ट्रा बनाई हुई इनको भी मुझे यहाँ पे ढक के ऊपर निकालना चाहिए यूं करके, ओके समथिंग लाइक दिस, ताकि वाली एंट्रेंस हमारी और ज्यादा अच्छी बन जाए। देखो यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे, किसी को कानो खान खबर भी गाइस नहीं होने वाली है हमारे इस सीक्रेट अड्डे की, लाइक इसके रास्ते की। तो गाइस एक काम करते हैं, यहाँ से मैं इस वॉल को एक सेकंड मैं वॉल लगाऊं क्या, फिर मैं इसको यार मोटे मोटे ब्लॉक्स लगाऊं यहाँ पे। ये वॉल ज्यादा पतली हो जाएगी, बट जितना पतला इसको रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा इल्यूजन क्रिएट होगा। मैं तुम लोगों को भी बताता हूँ किस इल्यूजन की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे को बस एक बार गाइस इसको यहाँ से नीचे निकालो, यहाँ से एक बार मुझे नीचे छलांग मारनी पड़ेगी। अब यहाँ से गाइस ऊपर के लिए चलते एक बार कबल स्टोन्स का इस्तेमाल करके, एंड एक सेकंड को यहाँ से थोड़ा आगे चल, इसको मेरे को थोड़ा सा और आगे के लिए एक्सटेंड करना चाहिए मेरे हिसाब से, ज्यादा अच्छा लगेगा ये, लाइक एक दो तीन तक काफी हो गए मेरे हिसाब से। और इसको यहाँ पर मैं खोद के नीचे गिरा देता हूँ, और खुद यहाँ से मैं आगे के लिए ऐसे करके चलता हूँ। ओके गाइस प्लेटफॉर्म आगे तक बन चुका है। अभी देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहले तो मैं गाइस यहाँ पर ना ये ओके स्लैब नीचे निकाल कर मैं इसको तोड़ने वाला हूँ। इनफैक्ट एक काम करो, यहाँ से अंदर आई गेस मैं स्लैब्स को यूं करके लगा सकता हूँ। नाइस। और जो तीन हमारे ग्राइंडस्टोन थे, पहला ग्राइंडस्टोन मैं ऐसे करके लगाने वाला हूँ गाइस, और ये बालतू के ब्लॉक्स को मैं यहाँ पे तोड़ने वाला हूँ अभी। और हम लोगों को अब ये एक चीज देखनी है कि मेरे को इस घर को लटकाना किधर है, लाइक एग्जैक्टली कहाँ पर लटकाऊंगा मैं इसको। मुझे नीचे उतर कर ये डिसीजन लेना पड़ेगा ब्रो। आई थिंक जहां पर हमारे एज जा रहा है ना वहां पर मैं इसको लटकाऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, हैंगी हाउस को। चलो तो गाइस एक मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, और एक मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे। इनफैक्ट मैंने इस वाले को गलत लगा दिया, इसको चपटा लगाना पड़ेगा। अभी देखो, अरे यार नीचे गिर गया यार, क्या है ये, मुझे एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार। ये चीज बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है सच्ची में गाइस। और इस वाले ग्राइंड स्टोन को मैंने यहाँ पे लगाना था ऐसे करके। नाइस ब्रोस। आ जाओ गाइस, अब देखो यहाँ पे चेन का जो एग्जैक्ट इस्तेमाल है, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कहाँ पे होने वाला है। इन बिटवीन गाइस अगर मैं चेन्स को ना यूं करके, ओ माय गॉड ये बंदा ऊपर है। अरे भाई ये कब्जे से आया यहाँ पे, ये एक सेकंड रुको, इसको ही मैं छड़ूंगा, इसको मैं छड़ने वाला नहीं अभी। ये बंदा यहाँ पर अगेंस्ट पाए, अभी रुको रुको रुको, मेरी गारंटी की बात है गाइस, ये बंदा हमारे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर है। अगर फिर से गायब हुआ ना तो दिस मींस कि ये बंदा एक्चुअली में माया भी तो है किसी भी हालत से। इसको मैं अभी छड़ने वाला नहीं हूँ भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ से, ओह व्हाट, ये बंदा वहां सामने कब गया ब्रो। कुछ भी यार, कुछ भी भाई, कुछ भी भाई, मेरे को यहाँ पे सोना पड़ेगा और सुबह करनी पड़ेगी यहाँ पे ब्रो। आई एम स्केयर्ड नाउ, ये क्या आदमी है भाई, रुको एक बारी गाइज मैं सुबह करके आता हूँ, इससे पहले कि यहाँ पे फालतू के मॉन्स्टर्स वगैरह स्पॉन होने स्टार्ट हो जाए। हाँ गाइज, तो मैं तुम लोगों को बोलता कि ये चेन को ना मुझे ऐसे करके यहाँ पर लगाना है, लाइक ऐसे सीधा नहीं तिरछा करके लगाना है, लाइक दिस, और यहाँ पर भी लगाएंगे यूं करके, एंड यहाँ पर देखो गाइज यूं करके दो लगानी है, एंड दैट्स इट। अब मैं तुम लोगों को दूर से दिखाता हूँ इसको, ये देखो गाइस मुंह के सामने, अब लग रहा है ना कि एक्चुअली मैं इसको हम लोगों ने चेन्स के थ्रू टांगा हुआ है। मेरे को लग रहा है गाइस ना अभी भी यहाँ पे ना थोड़ी बहुत ये कम है यार, एक सेकंड रुको, मेरे को थोड़ा बहुत और आयरन यहाँ पे वेस्ट करना ही पड़ेगा भाई। आई गेस दो आयरन और वेस्ट करने पड़ सकते हैं मेरे को, इनफैक्ट एक काम करो चार आयरन मेरे को और वेस्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे, चार यहाँ पे लगाओ, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और चार आएगी हमारी अगेन। इसको थोड़ा सा नीचे के लिए और एक्सटेंड करना ही पड़ेगा किसी हालत में। एंड गाइस मुझे भी ना एक और चीज यहाँ पे रियलाइज हुई है कि मैंने तो इसकी हाइट यहाँ पे छोटी बना दी, अगर मैं हैंगिंग हाउस को यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो वो तो यहाँ पे नीचे हमारे इस प्लेटफॉर्म को टच होगा, एंड अगर हैंगिंग हाउस हमारा नीचे प्लेटफॉर्म को टच होगा तो फिर फायदा क्या हुआ है कि नहीं है। तो उसके लिए भी मैंने एक बहुत ही प्यारा प्लान यहाँ पर बनाया हुआ है। हम लोग यहाँ पे गाइस एग्जैक्टली क्या करने वाले है, इस हैंगिंग हाउस को बनाने के बाद ये जो हमारा नीचे वाला प्लेटफॉर्म है ना, इसको मैं थोड़ा सा नीचे के लिए खिसका देने वाला हूँ। आई मीन मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में अभी तक आइडिया आया नहीं होगा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा बस तुम लोग वेट करो गाइस। अभी मेरे को सबसे बेहतरीन घर बनाना है इस वर्ल्ड का, ये स्ट्रेंज मैन का घर मुझसे बेहतरीन नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। एंड गाइस ये जो हमारा अभी यहाँ पे हैंगिंग हाउस बनने वाला है, इसके लिए मैं यहाँ पे जो लकड़ियों का इस्तेमाल करने वाला हूँ वो होने वाली है ये वाली डार्क ओक की। बीच बीच में मैं डार्क ओक के अलावा ये नॉर्मल ओक के लॉग्स का भी इस्तेमाल करूंगा, वो भी गाइस मैं क्या करने वाला हूँ इनको मैं एकदम ऐसा डिजाइन, देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ ये है, अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे एक्स का राइट क्लिक करूंगा तो जो ये बनता है ना हमारा, तो ये वाले स्ट्रिप्ड ओक लॉग्स एंड स्ट्रिप्ड डार्क ओक लॉग्स के साथ मैं इस घर को बनाने वाला हूँ। भाई ये बहुत ऑसम लगने वाला, भाई ये फिर से आ गए ऊपर, ये फिर से मेरे पेड़ों के ऊपर, ये कैसे आ रहा है भाई, हेलो ये क्या आदमी है ये भाई साहब, मेरे को डर लग रहा है यार यहाँ पे। भाई मैं इसको कंप्लीटली इग्नोर करने वाला इस बंदे को गाइस, मुझे तुम लोग तब तक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भाई तुम लोगों को क्या लगता है इस बंदे को मैं रास्ते से साफ कैसे करूं भाई, ये तो मुझे तंग करता रह जाएगा ऐसे करके यार। मुझे एक और थ्रेड करना, अरे भाई तुझे एक और ट्रेड करना है यार, मत एक सेकंड को गाइस, आई मीन ट्रेड ये बंदा मेरे साथ थोड़ी सी फायदेमंद वाली करता है, तेरा घर में अपना व्हाट
ओके ओके ठीक है ठीक है, क्या चाहिए तुझे बदले में? तू मेरा घर बना देगा, तुझे बदले में क्या चाहिए मुझे बता, क्या चाहिए भाई तुझे? मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूँ, जितने भी तेरे को रेयर ओर चाहिए सब खोद के मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूँ, तू बस मुझे बता क्या चाहिए तेरे को। 64 emeralds, 69 emeralds, अबे तू पागल है क्या? तू भाग जा यहाँ से, चल निकल यहाँ से, मेरे पास 2 emerald पड़े हुए टोटल, तू भाग यहाँ से, गायब हो जा, भाग जा यहाँ से अभी और इसी वक्त, ठीक है ना? खुद बनाऊंगा इस घर को मैं अपना और अपने दम पे बनाऊंगा। 69 emeralds मांग रहा भाई ये बंदा, क्या दिमाग से हिला हुआ है क्या, पैदल है क्या भाई तू? हेलो, भाग गया यहाँ से, भाग जा यहाँ से, दिखिए मत भाई ये। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड ब्रो, व्हाट द हेक मैन, अरे भाई ये कैसा आदमी है, एकदम से ऊपर था एकदम से नीचे आके, व्हाट, इसने हाथे से हवा में खड़े किए, आर यू सीरियस ब्रो, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, क्यों यहाँ पर क्या चल रहा है ब्रो, चला गया बंदा। गाइस मैंने फटाफट इस घर का एटलीस्ट बाहर का स्ट्रक्चर बनाता हूँ एंड देन मैं तुम लोगों से मिलता हूँ, ये बंदा मेरा दिमाग खराब कर देगा नहीं तो यहाँ पे, आई एम नॉट इवन जोकिंग मैन। ऑलराइट गाइस, तो पूरा का पूरा बिल्ड हमारा बन चुका है हैंगिंग हाउस का, अब इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें मुझे यहाँ पर सहन करनी पड़ी बिकॉज मैंने एक्चुअली में गाइस जो हमारे पेड़ था ना इसकी हाइट ज्यादा छोटी बना दी, अगर मैंने इसको लगभग 10 ब्लॉक और हाइट बनाई होती तो क्या मजा आता है हैंगिंग हाउस में, इसीलिए गाइस मेरे को थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना पड़ा, बट मैं चाहता हूँ मैं तुम लोगों को इससे पहले दिखाऊं, उससे पहले सारे के सारे लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना मैन, बिकॉज इस सीरीज में और धासु धासु बिल्ड्स बहुत ज्यादा मैं बनाने वाला हूं, और किसी भी तरीके से स्ट्रेंज मैन को इस वर्ल्ड से उड़ाना तो है ही, उसके तो तुम लोग मुझे आइडियाज अभी बताते रहो। एंड गाइस 3, 2, 1, 10, 10, ये है हमारा हैंगिंग हाउस जो कि इस पेड़ के एकदम साइड से मैं लटकाया हुआ है। एंड देखो भाई वो जो हम लोगों की चेन्स थी ना, वो चेन्स कितना तगड़ा इल्यूजन क्रिएट कर रही है, इनफैक्ट मुझे यहाँ पे 2 चेन्स एक्स्ट्रा बनानी पड़ी, मेरे ना आयरन बहुत ज्यादा वेस्ट हुआ है इसमें। एंड गाइस ये क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म से नीचे आ रहा था इसलिए मैंने पीछे का पूरा प्लेटफॉर्म उड़ा दिया, एंड इस इलाके में हवा रखनी पड़ेगी, हवा इन द सेंस के लिए मुझे ऐसे वॉइड रखना पड़ेगा तभी हमारा जो हैंगिंग हाउस है ये यहाँ पर सेंस बनाएगा कि लाइक एक्चुअली हैंगिंग है। अगर ये इस डायरेक्ट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा लाइक 2 ब्लॉक ऊपर तो फिर हैंगिंग हाउस का फायदा नहीं है ना भाई साहब, तो ये दिक्कत है। एंड गाइस मुझे ऑफ कोर्स अपने इस जो मेरा मॉब फार्म था उसको शिफ्ट करना पड़ेगा साइड के लिए, ये मैं ऑफ द कैमरा कर दूंगा लाइक ऑफ ए है ना, तभी अच्छा रहेगा। देखो गाइस यहाँ पे मुख्य मैंने ये वाली स्टेयर्स को भी एकदम यहाँ पे इस स्टेयर से चेंज कर लाइक ओक ब्रिज की स्टेयर्स का, कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है यार। एंड दिक्कत सिर्फ एक है गाइस यहाँ पे जिंदगी में, एक दिक्कत है वो ये है कि इसकी एंट्रेंस थोड़ी सी अजीब है, देखो मुझे पूरा कपड़ा यहाँ से घूम के जाना पड़ता है हमारे इस ओक हाउस के अंदर जाने के लिए, हैंगिंग हाउस के अंदर जाने के लिए। बट गाइस दिक्कत ये भी नहीं है, यहाँ से भी देखो मैं आराम से अंदर जा सकता हूँ, न्यू टाइप की बात है, मैंने सीढ़ियां भी लगाई है कि नहीं है। यहाँ पर देखो फिलहाल कुछ चेस्ट वगैरह खाली हमारी, यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत ये टूल्स वगैरह लगाए यहाँ पे थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए, यहाँ पर बेड भी लगा दूंगा मैं। बट दिक्कत गाइस सिर्फ एक है यार, मुझे अगर इस हैंगिंग हाउस से अभी फिलहाल को मुझे बाहर जाना पड़ रहा है गाइस तो मुझे यूं करके छलांग मार के बाहर जाना पड़ता है भाई साहब, विच इज वेरी दर्दनाक, मेरी यहाँ पे ना कमर चटक जाती है हर बारी बहुत। अरे भाई ये बंदा डरा देता है, तू यहाँ पर कब आया भाई, ये कैसा आदमी है ये? मैंने अपने हाथ में ये चीज लगा के रखने वाला भाई एक्स, क्या मैं तेरे लिए बेहतरीन चीज लाया क्या? एक सेकंड, क्या बेहतरीन चीज लाया भाई तू मुझे बता जरा एक बारी मुझे वेट, इसके हाथ में क्या है ये? हेलो दिखा मेरे को क्या है ये, दिखा मेरे को क्या बेहतरीन चीज है, मुझे पता नहीं कैसी फीलिंग आ रही है, यहाँ पे स्कैम तो नहीं कर रहा होगा। वेट बटन दिख, बटन व्हाट, ये अनब्रेकिंग 3 वाला बटन है, तू मुझे एक बात बता कि ये बटन एग्जैक्टली करता क्या है, मुझे जानना है एक बार, मतलब क्या अभी तो कई बार तू तड़ाके से बात करता है, कई बार हांजी करके, भाई ये बंदा मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है यार, आई एम नॉट इवन जोकिंग, क्या आदमी है ये, करता क्या है बटन मुझे बता जरा एक बार फटाफट, मैं जानना चाहता हूँ। तू अपने मुंडे 360 डिग्री कैसे घुमाता है, नो आइडिया। वो 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 व्हाट व्हाट, ये बंदा नाच रहा है यहाँ पे, आर यू सीरियस? भाई तेरे घर के अंदर जाने की दिक्कत खत्म हो जाएगी ये बटन से, लाइक तू अबे पहले तो नाचना बंद कर, मुझे डर लग रहा है भाई, कैसे ये बंदा कैसे नाच रहा है यार, मुझे भी नाचना है भाई यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैं तो नहीं नाच पा रहा हूँ है। तू तेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अगर इस बटन का इस्तेमाल करूंगा तो मेरे घर के अंदर जाने की दिक्कत खत्म हो जाएगी, लाइक जो मैं ये एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ। हाँ ओके रुक जाओ एक सेकंड, मैं थोड़ा सा दूर जाना चाहता हूँ, तू यू ट्राई कर ले, एक सेकंड रुक तू भाई, गाइस मैं से थोड़ा दूर आ चुका हूँ अभी। भाई ये बंदा कितना, मुझे बंदे पर शक है भाई, अगर मैं इस बटन का इस्तेमाल करूंगा तू ट्राई कर ले, सोच मत भाई, देखो ये मुझे यहाँ पे ना फोर्स कर रहा है ट्राई करने के लिए, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि भाई यहाँ पे ना बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे, मैं जैसे इस्तेमाल करूंगा मर जाऊंगा मैं यहाँ पे, और ये बंदा चाहता है कि मैं मरूं इस वर्ल्ड के अंदर भाई बार बार, कुछ नहीं होगा भाई, नहीं ये बंदा मुझे फोर्स कर रहा है, मुझे अभी तक शक हो रहा है यहाँ पे भाई, ये झूठ बोल रहा है, मेरी गारंटी है भाई कुछ
तो लोचा इस बंदे का। अरे बटन कैसे अनब्रेकिंग लगा के आया भाई ये बंदा इसके ऊपर, मेरे पास एक भी बुक नहीं है यहाँ पर, ये इतना एडवांस कैसे हो गया ब्रो, मुझसे बाद में आया ये बंदा। और बोला कि 5 साल से इस वर्ल्ड के अंदर खेल रहा है, झूठ बोल रहा है। देखो वहां से हाई कर रहा है, वहां से हाई कर रहा है मेरे को ये बंदा। इधर बात कर लो भाई, कभी तू तड़ाका कभी कुछ। ओए तू मुझे सच से बता, इस बटन मैं फेंक रहा उसको, मुझे करना ही नहीं इसका इस्तेमाल, मुझे तू स्कैमर लग रहा समझा, एक नंबर का स्कैमर तू। मुझे भाई ये बार बार दे रहा है, तू भरोसा कर ले तेरी जिंदगी की मौजा मौजा हो जाएगा। अरे यार, और ये भी ये क्या दे रहा है भाई, हेलो ये क्या है? ओ ओ ये वही वाला क्रिस्टल है, ये वही वाला, वेट अ सेकंड मैं इसको तोड़ सकता हूँ क्या? ओ माय गॉड ब्रो, ये चीज तो मेरे को चाहिए थी, मस्त चीज है भाई साहब। एक सेकंड रुक भाई, मैं इसका इस्तेमाल, देख भाई मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तू मेरे नजदीक रहेगा खड़ा, इधर रुक जा, मैं इसको कहीं भी किसी एक रैंडम सी जगह पे लगा देने वाला हूँ, तू मेरे आसपास रहेगा ठीक है ना, अगर यहाँ पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो तू साथ में मरेगा मेरे, चल खड़ा रहे यहाँ से, यहाँ साइड में खड़ा हो जा ठीक है गाइस। मैं इसके ऊपर ट्राई करने वाला, पहले खाना खा लेते हैं, पूरा हंगर बार रखते हैं, एंड जय माता दी गाइस, 3 2 1 लेट्स गो। व्हाट भाई मेरे में टीपी कैसे हो गई यहाँ पे, व्हाट देखे, अरे भाई देख लिया मैंने, मान ब्रो मैं मान गया इसके, एक सेकंड रुक जरा भाई साहब, ये खुद पे मुझे कैसे टेलीपोर्ट कराता है, आई हैव नो आइडिया, बट द थिंग इज कि मैं इसका इस्तेमाल करके क्या फिर से एक जादू, एग्जैक्टली भाई साहब मेरे को तो डर, एक सेकंड तू दबा दे बटन को, यानी कि तेरे कहने का मतलब मैं इस बटन को दबाऊंगा मैं हर बार अपने घर जा सकता हूँ, एक्चुअली गाइस मेरी दिक्कत दूर हो चुकी है, एक सेकंड इसको मैं अपने घर के सेंटर में लगाऊंगा तो यहाँ पे रोशनी हो जाएगी। ओ माय गॉड ब्रो, ये तूने यहाँ पर क्या किया हुआ है भाई, तू मुझे डरा रहा है यार, इसका मतलब ये कि मैं इस बटन का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे कहीं और एंट्रेंस बनाने की जरूरत नहीं अपने इस घर के लिए, है कि नहीं है? ओके भाई तू तो मेरा दोस्त निकला यार, मैं तो तेरे को यहाँ पे स्कैमर समझ रहा था, चल मुझे बता तुझे इसके बदले क्या चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता तू मुझे फ्री में देगा है ना, या तू मुझे फ्री में देने वाला, मुझे एक बार जल्दी जल्दी बता, फ्री में फ्री का है ना भाई, प्लीज 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 प्लीज, चलो 20 एमरंड दो। व्हाट, अरे भाई तू पागल है क्या, तू पाग, एक सेकंड को गाइस मैं तुम लोग अपनी गरीबी दिखाता हूँ, यार देखो ये मेरे पास सिर्फ इतने हैं, इतने सिर्फ ठीक है ना, मैं जोर से नहीं बोलने वाला, इतने ऐसे मेरे पास पड़े हुए। ओ भाई निकल यहाँ से, तू ले जा ले इस बटन को, उठा इस बटन को, ले जा यहाँ से, इस बटन को ले जाए यहाँ से, मैं अपने लिए कोई और एंट्रेंस बना दूंगा, 20 एमरल्ड्स तो मैं अगले 7 जन्मों तक शायद इस वर्ल्ड के अंदर ना निकाल पाऊं, यूज माल मैं नहीं रखता। अबे तू एक सेकंड रुको, तेरे कहने का मतलब ये है कि अब तू इसको वापस नहीं लेगा बिकॉज ये सेकंड हैंड हो चुका है, तेरे हिसाब से सेकंड हैंड बन चुका है ये, मुझे मेरे एमरल्ड चाहिए। अरे भाई मेरे पास नहीं है तेरे एमरल्ड यार, मैं कैसे भी, रुक जा एक सेकंड रुक जा, मैं तेरे को देता हूँ, रुक जा मैं तेरे को यहाँ पे 20 एमरल्ड अभी और इस वक्त देता हूँ, तू टेंशन मत ले, रुक जा 7 6 13 और 2 15 15 तो चलेंगे ना भाई, है ना भाई 15 तो चलेंगे ना टोटल, 15 5 बाद में दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना, हाँ ठीक है ले जा, ले ये 7 है, ये 2 है, ये 6 है, टोटल 15 हो चुके हैं एमरल्ड, ठीक है ना भाई, ये 15 एमरल्ड तेरे लिए, स्कैम करते रुक बता। अरे मेरे पास नहीं है तेरा एमरल्ड, मम्मी के तो मेरे पास एमरल्ड नहीं है, मेरे पास नहीं है एमरल्ड तेरे लिए, अरे भाई मेरे क्या हाथ भी आई है, मेरे पास नहीं है तेरे एमरल्ड यार, मैं कहां से लेके आऊं 20 एमरल्ड तेरे लिए, तू मुझे बता एक बारी। ओ माय गॉड, मैं 1.5 आवर जब मैं अगर मरा ना अभी तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, अगर मैं अभी मरा यहाँ पे तो भाई देख ले तेरे एमरल्ड मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। देख भाई तुझे क्या जरूरत है, तू इस बटन को ले जा, मुझे नहीं चाहिए मेरे एमरल्ड चाहिए मुझे, अरे भाई मैं कहां से ला के दूं इसके एमरल्ड यार, 20 एमरल्ड का मैं अगले 7 जन्म तक नहीं निकाल पाऊंगा यहाँ पे, तूने तो मेरे से यहाँ पे मोटा स्कैम कर दिया, मुझे जबरदस्ती यूज माल मैं क्यों लूं, अरे भाई तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि एक बार मैं इस बटन को रख दूंगा तो फिर यहाँ पर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं कैसे इतने सारे एमरल्ड दे सकता, मुझे तो समझ नहीं आ रही भाई, हैं स्कैम तू कर रहा, अरे मैं स्कैम नहीं कर रहा तुझे, अरे भाई ये बंदा मुझे कहीं भी टिप, ब्रो मैं दे दूंगा सुन, मैं तेरे एमरल्ड तुझे दे दूंगा भाई, मैं पक्का दे दूंगा, वहीं अटका के रखूंगा समझा, मुझे मेरे एमरल्ड चाहिए, मैं दे दूंगा भाई तेरे एमरल्ड पक्का, पर अभी नहीं दे सकता हूँ, 2 एमरल्ड मैंने तेरे को दे दिए, बाकी वो स्कैम वाले थे पर 2 दे दिए मैंने तेरे को, ठीक है ना भाई, हेलो सुन रहा है ना, ओके मुझे नीचे रुक जा, तू मुझे नीचे उतार मैं तब भी चलेगा, मैं खुद नीचे उतार सकता हूँ यहाँ से ऐसे करके, बट भाई साहब कृपया करके प्लीज मेरे को अभी मारना मत आपने, ठीक है ना, मैं यहाँ पे मरने वाला ऑलरेडी, मैं आपके एमरल्ड पक्का आपको वापस कर दूंगा, आई स्वेयर टू गॉड दे दूंगा मैं सारे के सारे भी, आप जाओ यहाँ से यार, प्लीज जाओ यहाँ से ब्रो, जाओ प्लीज, यही मुझे मेरा एमरल्ड जल्दी चाहिए, हाँ ठीक है मैं तेरे सारे एमरल्ड जल्दी दे दूंगा, अरे पर एक बात तो सुन लो भाई साहब, अंदर जाने का तो मैंने जुगाड़ किया हुआ था ना, मुझे बाहर आने के लिए भी तो एक बटन चाहिए होगा अंदर से, वो भी तो दे दे यार भाई, मतलब वो भी देगा तभी तो मजा आएगा मेरे को भी, है ना, अंदर से बाहर आने के लिए भी मुझे दे दे यार भाई, बंदे ने मेरे को बाकी के सफायर वगैरह तो वापस कर दे, ईमानदारी तो दिखा रहे हो भाई आप, बहुत अच्छे हो भाई,
मैं आपसे बिल्कुल पंगा नहीं लूंगा, हाँ मुझे दे दो। अब अगर भाई मैं अंदर से बाहर ही नहीं आ पाया तो फायदा क्या हो गया भाई? इसके एक्स्ट्रा एमरल्ड तो नीचे है ना आपको पक्का है, पता चले इसके एक्स्ट्रा 25। अरे भाई तो बढ़ाए जा रहा है, हेलो ये क्या बात हुई यार, 25 एमरल्ड। ठीक है मैं दे दूंगा सारे, दे दूंगा सारे, पक्का दे दूंगा मैं आपको, पक्का सारे दे दूंगा। आप जाओ जाओ अभी, आप जाओ। ओके बाय 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 बाय। ओ माय गॉड भाई, ये बंदे ने मेरे से स्कैम कर दिया। ओ तेरी, एक सेकंड रुको भाई, एटलीस्ट मैं अपना फायदा तो यहाँ पर जरूर करने वाला हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा तो क्या ये काम करेगा? यस, अंदर से बाहर भी आ पा रहा हूँ। ओके गाइस, मुझे किसी भी तरीके से इस बंदे के ऊपर नजर रखने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे जहां पर मैं खुद छुप के इसके ऊपर नजर रख सकता हूँ। बिकॉज ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये है मायावी बंदा। बिकॉज इसने मेरे को बहुत ही अजीब से दो पटन दिए। देखो मैं डायरेक्ट अंदर भी जा सकता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से बाहर भी आ सकता हूँ। ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है जो इसने मुझे दी है यहाँ पर। एंड ऑफ कोर्स इस बटन की मैं लोकेशन यहाँ पे बाद में ही चेंज कर देने वाला हूँ, बट द मेन थिंग इज कि ये बंदा मेरे साथ यहाँ पे खेल चुका है। मैं एटलीस्ट अपने बेड को अंदर लगा दूं। गाइस मैं तुम लोगों को सच्ची बता रहा हूँ, 25 एमरल्ड्स इस वर्ल्ड के अंदर निकालना कितना इम्पॉसिबल है, तुम लोगों को आइडिया भी है क्या अभी? ओ माय गॉड, मैं तो भैया यहाँ पर खोदना स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, सब कुछ भाड़ में जाए। भाई मेरे ऊपर यहाँ पे कर्ज चढ़ चुका है, और ये बंदा ना यहाँ पर बहुत जल्द गाइस वापस आएगा, मुझसे सब कुछ निकाल। और कुछ चाहिए तो बता देना, हाँ तेरे को बताऊंगा मैं, और कुछ चाहिए होगा तो। कुछ नहीं चाहिए तुझसे मेरे को। ये बंदा भाई मेरे को गाइस अब यहाँ पे 25 एमरल्ड्स निकालने पड़ेंगे। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस तरीके से मैं अगले एपिसोड में इस बंदे से छुटकारा पाऊं, या फिर मैं इसके साथ लाइक कोई स्कैम करूं, या फिर मैं इसको लाइक किसी तरीके से मार दूं। अगर तो मार पाऊंगा तब तो मजा आ जाएगा गाइस। बाकी मैं यहाँ पर 25 एमरल्ड निकालने की कोशिश करता हूँ यार, वरना मेरी जिंदगी झंड हो जाएगी। सो गाइस अगर तुम लोगों को यहाँ पर ओवर वर्ल्ड आ चुका है, ओके नाइस, हमारा एक और यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा। ओ माय गॉड भाई साहब, तुम लोग गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोग को वीडियो कैसी लगी है। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, बिकॉज मुझे पता चलेगा कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। बिकॉज मुझे लग रहा है कि इस सीरीज में कुछ बहुत ही खतरनाक चीजें आगे चल के होने वाली है। सो यार गाइस, मैं मिलता तुम लोगों से ऐसी धांसू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।